हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ये टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और आज हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का 7th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वैसे इसके पहले ऑलरेडी हमने ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के 6 प्रॉब्लम्स किए थे और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स किए थे। उसी के साथ साथ इंजीनियरिंग ड्रॉइंग के नंबर ऑफ टॉपिक्स हमने इसके पहले स्टडी किए थे। तो अगर आपने इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक्स अगर नहीं स्टडी किए हैं तो आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमें ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का 7th प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या रहेगा उसके लिए? क्वेश्चन रहेगा, फिगर शोज द पिक्टोरियल व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ड्रॉ द फॉलोइंग व्यूज। फर्स्ट, फ्रंट व्यू लुकिंग इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, सेकंड, साइड व्यू लुकिंग इन द डायरेक्शन ऑफ वाई, गिव द डायमेंशंस। तो फाइनली क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन अगर आप प्रॉपरली पढ़ेंगे तो यहाँ पे एक पिक्टोरियल व्यू दिया है, इट मींस एक आइसोमेट्रिक व्यू दिया है। ये देखिए, ये है वो आइसोमेट्रिक व्यू। ये आइसोमेट्रिक व्यू को देख के हमें इसका ऑर्थोग्राफिक व्यू ड्रॉ करना है और हमें सिर्फ दो चीजें यहाँ पे ड्रॉ करना है। फर्स्ट में लिखा है ड्रॉ द फ्रंट व्यू लुकिंग इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, इट मींस हमें जो फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है वो एक्स के तरफ से देख के ड्रॉ करना है। देखिए यहाँ पे एक्स कहाँ पे, देखिए यहाँ पे एक्स है तो वो एक्स के तरफ से देख के आपको फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है। और क्वेश्चन में सेकंड लिखा है ड्रॉ द साइड व्यू लुकिंग इन द डायरेक्शन ऑफ वाई, इसका मतलब जहां पे y लिखा है वहां से देख के आपको साइड व्यू ड्रॉ करना है। यहां पे सिर्फ फ्रंट व्यू और साइड व्यू सिर्फ दो ही डायग्राम्स ड्रॉ करना है। ये फर्स्ट एंगल पोजीशन मेथड से हम सॉल्व करेंगे, यहां पे टॉप व्यू ड्रॉ करने के लिए नहीं कहा है और ये 7th प्रॉब्लम है। तो चलो ये प्रॉब्लम हम ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हमें रेफरेंस लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। तो फाइनली हमने यहाँ पे रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लिया है। देखिए ये एक्स वाई लाइन है, यहां पे ये एक्स वाई लाइन हमने ड्रॉ की है और ये एक्स वन वाई वन हमने लाइन ड्रॉ की है। तो यहाँ पे हमने दो रेफरेंस लाइन दैट इज एक्स वाई और एक्स वन वाई वन ड्रॉ किए। हमें यहाँ पे टॉप व्यू ड्रॉ नहीं करना है तो हमने नीचे यहाँ पे कुछ भी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, इसलिए हमने एक्स वाई लाइन नीचे रखे हैं। हमें सिर्फ फ्रंट व्यू साइड व्यू ड्रॉ करना है। तो देखिए फ्रंट व्यू साइड व्यू यहाँ साइड बाई साइड में बनेगा। अब ये फ्रंट व्यू इधर बनेगा या इधर बनेगा वो कैसे पता चलेगा? तो वो हमने इसके पहले के हर एक वीडियो में बताए थे, वो डिसाइड करना बहुत आसान है। देखो क्वेश्चन में लिखा है ड्रॉ द फ्रंट व्यू लुकिंग इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, इसका मतलब एक्स के तरफ से देख के आपको फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है। ये देखिए यहाँ पे एक्स लिखा है तो एक्स के तरफ से देख के आप फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे और वाई की तरफ से देख के आपको साइड व्यू ड्रॉ करना है। तो अगर आपको वाई की तरफ से देख के साइड व्यू ड्रॉ कर रहे हैं तो साइड व्यू आप कहां से देख के ड्रॉ कर रहे हैं? देखिए आप लेफ्ट साइड से देख के साइड व्यू ड्रॉ कर रहे हैं तो बनने वाला जो साइड व्यू है वो बनते समय राइट साइड में बनेगा। उसी तरह से जो फ्रंट व्यू है वो आप कहां से देख के बना रहे? देखिए आप राइट साइड से देख के फ्रंट व्यू बना रहे तो बनते समय ये जो फ्रंट व्यू है वो लेफ्ट साइड में बनेगा। तो यहां पे जो फ्रंट व्यू है वो आप राइट साइड से देख के बना रहे तो जाहिर सी बात है फ्रंट व्यू जो है वो बनते समय यहां पे लेफ्ट साइड में बनेगा और साइड व्यू आप लेफ्ट साइड से देख के बना रहे तो बनते समय उसका व्यू जो है वो राइट साइड में बनेगा। तो फाइनली इधर फ्रंट व्यू बनेगा और इधर साइड व्यू बनेगा। तो चलो हम लोग ड्रॉ करेंगे फ्रंट व्यू और साइड व्यू। अब फ्रंट व्यू साइड व्यू ड्रॉ करना है तो फ्रंट व्यू का बेस कितना है वो आप चेक करो और फ्रंट व्यू का हाइट क्या है वो हम चेक करेंगे। तो देखिए फ्रंट व्यू का बेस और हाइट, फ्रंट व्यू का बेस अगर हम चेक करेंगे तो यहां पे 50 दिया है, देन यहां पे 20 दिया है और अगर आप प्रॉपरली चेक करेंगे इधर का लेंथ नहीं दिया है लेकिन इधर का लेंथ जो है वो ऊपर दिया है। अगर आप प्रॉपरली चेक करेंगे यहां से यहां तक 50 है, देन यहां से यहां तक 70 है। इसका मतलब फ्रंट व्यू का बेस हो गया टोटल 120। ये 50 और ये 70 दैट इज 120, तो फ्रंट व्यू का बेस हो गया 120। और फ्रंट व्यू का हाइट आपको चेक करना है तो फ्रंट व्यू का हाइट आपको चेक करना बहुत आसान है। देखिए यहां से यहां तक 50 दिया है और इधर और 20 दिया है तो 50 और 20 हो गया 70, तो फ्रंट व्यू का हाइट हो गया 70। तो चलो फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे 120 बाय 70 का। लेकिन हमने इसके पहले के हर एक वीडियो में बताए थे कि जब कभी भी आपको फ्रंट व्यू टॉप व्यू साइड व्यू कुछ भी अगर आपको यहां ड्रॉ करना है, कोई भी अगर आपको ऑर्थोग्राफिक व्यू ड्रॉ करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो आइसोमेट्रिक व्यू है, ये जो थ्री डायमेंशनल व्यू है, इसमें जो आपको फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है आप राइट साइड से देख के फ्रंट व्यू बना रहे तो आप क्या करो, जो भी पार्ट आपको राइट साइड से दिखाई दे रहा है उसको आप शेडेड करो। शेडेड करने से ऑब्जेक्ट इमेजिन करने में आसानी होती है। तो फाइनली हमने वो पार्ट शेडेड कर लिया है जो हमने राइट साइड से देख के हमें जो दिखाई दे रहा है वो हमने शेडेड कर लिया है। और अब हमने जो भी पार्ट शेडेड किया है वो हमें यहां पे एज अ फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है। लेकिन डायरेक्टली फ्रंट व्यू ड्रॉ करने के पहले सबसे पहले आपको एक काम करना है, जो कुछ भी आपने शेडेड किए उसका एक रफ डायग्राम बनाओ। इट मीन्स आप पहले रफ में बना के देखो कि आपने जो बनाए हैं, जो आपने शेडेड किया है वो किस टाइप से बनेगा, देन उसको उसके साथ कंपेयर करा के देखो। अगर वो करेक्ट है तो ही आप उसका फेयर वर्क करना, नहीं तो आपका फेयर वर्क अगर रॉन्ग हो गया
गया तो उसको आपको बार बार मिटाना पड़ेगा, ऐसे में आपका टाइम वेस्ट होगा और ड्रॉइंग भी खराब हो जाएंगी। तो चलिए फाइनली जो भी पार्ट हमने शेडेड किया है उसको हम एज अ रफ डायग्राम के थ्रू ड्रॉ करने का प्रयास करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे एक ऐसा एक उल्टा एल है, तो ये हम ऐसा ड्रॉ करेंगे। देखिए ये हम यहाँ पे ड्रॉ करके थोड़ा सा चेक कर रहे हैं कि हमने जो शेडेड किया है वो क्या है। ये देखिए ऐसा जो है ये ऐसा उल्टा एल है, तो वो हमने यहां ले लिए। अब यहां पे नीचे का जो है ये एज अ रेक्टेंगल दिखाई देगा और ये ट्रायंगल दिखाई देगा। तो ये देखिए ये रेक्टेंगल हम यहां पे ड्रॉ कर रहे हैं ऐसा, और ये ट्रायंगल आपको ऐसा दिखाई देगा, तो ये है वो ट्रायंगल। तो देखिए ये फ्रंट व्यू ऐसा बनेगा, इसका मतलब ये कंफर्म है। तो इसका बेस क्या रहेगा, यहां से यहां तक हमें लेना है 70। देखो यहां से पूरा 70 लेंगे, वैसे इसके दो पार्ट है 50 और 20। तो हमें यहां से यहां तक पहले 50 लेना है, देन यहां से यहां हमें 20 लेना है। और हाइट कितना लेंगे, तो यहां से यहां तक का हाइट 50 है और ये हाइट 20 है। देखो यहां पे दिया है, यहां पे ये 50 दिया है और ये 20 दिया है, तो हम ये 50 और 20 लेंगे। और यहां पे इसका विड्थ दिया है 70, तो हम यहां पे इसका विड्थ देंगे 70। देखो हमने 70 दे दिए। और इसका हाइट कितना है, तो इसका हाइट रहेगा, तो ये बड़े सेमी सर्कल का रेडियस क्या है चेक करो, ये बड़े सेमी सर्कल का डायमीटर 60 है, मतलब इसका रेडियस 30 होगा, मतलब इसका हाइट 30 रहेगा, ये कंफर्म है। तो फाइनली ये ऐसा बनेगा। तो चलो इसको एज अ फ्रंट व्यू ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली हम नीचे का बेस ले लेंगे 70, तो ये हमने नीचे का बेस ले लिया 70। देखिए यहां से यहां तक टोटल 70 है, तो ये हमने यहां पे 70 बना लिए। देखिए ये हमने 70 ले लिए क्योंकि ये पूरा नीचे 70 है और यहां से 50 है, देन आपको उधर जाना है। तो देखिए यहां से आपको इधर 50 जाके पूरा इधर जाना है, तो यहां से आप हाइट ले लेंगे पूरा 50, तो ये देखते हैं क्या होगा। यहां से पूरा 50 ऊपर लेंगे, तो ये आपने 50 लेके गए। और अब देखिए यहां से आपको 20 लेके, देखो ये 20 लेके यहां से पूरा ऊपर जाना है और इसका हाइट टोटल 70 है, तो यहां से आप इधर 20 ले लेंगे और 20 लेके आप यहां से पूरा ऊपर लेके जाएंगे। तो ये देखिए यहां से आपने 20 ले लिए और यहां से पूरा हाइट आप 70 जाएंगे। तो हमने यहां से देखिए यहां से हमने पूरा यहां से यहां तक हाइट लेके गए 70। देखिए यहां से लेके हम पूरा यहां तक 70 लेके गए क्योंकि यहां से यहां तक 50 है और ये फिर 20 है, तो 50 और 20 मिला के 70 हो गया, तो ये पूरा 70 गए। अब आपको यहां से पूरा इधर जाना है हॉरिजॉन्टली, इट मींस उसका विड्थ शो करना है, तो इसका विड्थ है 70। देखिए एक विड्थ हमें 70 शो करना है, इट मींस हमें ये लाइन शो करना है जो कि 70 है। तो देखिए फाइनल ये इन्वर्टेड एल सेक्शन हमने बना लिए हैं। देखिए ये इन्वर्टेड एल सेक्शन, ये जो हमने शेडेड किया है यहाँ पे, ये एल सेक्शन यहाँ पे जो है ये हमने ड्रॉ कर लिया है। और अब हमें ये नीचे का शेडेड पोर्शन ड्रॉ करना है। ये जो है ये आपको एज ए रेक्टेंगल दिखाई देगा, तो ये रेक्टेंगल 50 बाय 30 का है क्योंकि इसका बेस 50 है और इसका हाइट इट मीन ये सेमी सर्कल का रेडियस रहेगा जो कि 30 है। तो 50 बाय 30 का हमें ये रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, इट मीन हमें ये ड्रॉ करना है। हमने ये एल सेक्शन यहाँ पे ड्रॉ कर लिए और अब ये रेक्टेंगल की बारी, ये 50 तो हमने ऑलरेडी यहां पे ले लिए और यहां से हमें 30 की हाइट लेना है। तो देखते हैं ये 30 की हाइट पे कैसे बनेगा। तो फाइनली ये हमने रेक्टेंगल भी यहां पे ड्रॉ कर लिया है और अब ये इंक्लाइंड सरफेस आपको ड्रॉ करना है, इट मींस ये ट्रायंगल आपको ड्रॉ करना है। ये ट्रायंगल का ये जो इंक्लाइंड प्लेट है वो आपको दिखाई देगा यहां पे, तो वो आपको डायरेक्टली ऊपर से नीचे आपको डायरेक्टली ऐसे ज्वाइन करना है, ये बहुत ही आसान है। तो ये देखिए फाइनली ये जो हमने बनाए थे ये भी हमने कंप्लीट कर लिए, ट्रायंगल यहां पे बन गया। और अब हमने यहां पे डायमेंशन दे देंगे, लेकिन हमने ये जो कुछ भी बनाया है ये सिर्फ हमने वो बनाया है जो हमने शेडेड किया है, इट मींस जो हमें सामने से दिख रहा है हमने सिर्फ उसको शेडेड किए, जो दिखाई दे रहा है हमने सिर्फ उसको शेडेड किए, जो पार्ट नहीं दिखाई दे रहा है उसको हमने शेडेड नहीं किए। इट मींस जो पार्ट नहीं दिखाई दे रहा है वो हमें यहां पे एज अ हिडन लाइंस के थ्रू हमें यहां पे शो करना है। अब वो कैसे शो करेंगे वो हम आपको बताएंगे, सबसे पहले हम यहां पे डायमेंशन दे देंगे। तो फाइनली हमने यहां पे डायमेंशन दे दिए हैं और हमने सिर्फ वही पार्ट बनाया है जो हमने शेडेड किए थे, इट मींस जो हमें दिखाई दे रहा है हमने सिर्फ वही पार्ट यहां पे ड्रॉ किए, लेकिन जो पार्ट नहीं दिखाई दे रहा है इट मींस जो हिडन एजेस है वो हमने यहां शो नहीं किया है, वो हम आपको साइड व्यू के टाइम बताएंगे। पहले हम साइड व्यू के लिए वर्क यहां पे स्टार्ट करते हैं। साइड व्यू ड्रॉ करते समय हमें क्या करना है, फ्रंट व्यू के सभी पॉइंट से सभी कॉर्नर से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन जो है वो यहां पे लेके आना है। तो चलो साइड व्यू का वर्क स्टार्ट करते हैं। हम साइड व्यू ड्रॉ करते समय बताएंगे कि इसमें क्या वो हिडन पार्ट है, क्या वो हिडन लाइंस है जो हमने ड्रॉ नहीं किए, तो आपको करेक्टली समझ में आ जाएगा।
तो फाइनली हमने सभी प्रोजेक्शंस इधर लेके आ गए हैं और अब हमें यहां पे साइड व्यू ड्रॉ करना है। लेकिन साइड व्यू आपको कहां से देख के ड्रॉ करना है, तो क्वेश्चन में लिखा है ड्रॉ द साइड व्यू लुकिंग इन द डायरेक्शन ऑफ वाई। इसका मतलब जहां पे वाई लिखा है उधर से देख के आपको साइड व्यू ड्रॉ करना है। तो साइड व्यू ड्रॉ करते समय सबसे पहले हम एक काम करेंगे, जो भी पार्ट हमें इधर से दिख रहा है हम उसको पहले शेडेड कर लेंगे। शेडेड करने से ऑब्जेक्ट को इमेजिन करने में आसानी होती है। तो चलो शेडेड करना स्टार्ट करते हैं। जो पार्ट हमें बिल्कुल सामने सामने दिखाई दे रहा है हम उसको शेडेड करेंगे, जो पार्ट दिखाई नहीं दे रहा है उसको हम शेडेड नहीं करेंगे। तो फाइनली हमने यहां पे साइड व्यू में जो भी पार्ट हमें दिखाई दे रहा है वो हमने शेडेड कर लिया है। और अब हमने जो कुछ भी शेडेड किया है उसको एक रफ डायग्राम के थ्रू पहले हम समझ लेते हैं, देन आफ्टर हम उसका फेयर वर्क यहां बनाएंगे। तो अगर हम इधर से देखेंगे तो जो पार्ट हमें दिख रहा है वो तो हमने शेडेड कर लिए। अब इसमें इसको अगर हम रफली अगर बनाएंगे तो देखिए नीचे ऐसा सेमी सर्कल है, यहां पर दो दो सेमी सर्कल है, तो इसका मतलब ये कुछ ऐसा बनेगा। ये देखिए यहां पर कुछ अगर हम ड्रॉ करने का प्रयास करेंगे तो ये ऐसा बनेगा, एक छोटा सेमी सर्कल देन एक बड़ा सेमी सर्कल ऐसा बनेगा, ठीक है। देन इसके बीच में से एक प्लेट गई है तो इसके इसके बीच में से ऐसी एक प्लेट जाएंगी, ठीक है। देन यहां से ये रेक्टेंगल ऐसा आपको पीछे का सरफेस आपको दिखाई देगा, इसका मतलब ये रेक्टेंगल ऐसा बनेगा। ये देखिए ये फाइनली ऐसा बनेगा, जो पार्ट हमने शेडेड किए वो शायद कुछ ऐसा बनेगा, ये कंफर्म है। तो चलो ये शेप ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। इसका बेस क्या रहेगा और हाइट क्या रहेगा, तो हाइट तो उतना ही रहेगा जितना फ्रंट व्यू का हाइट है। फ्रंट व्यू का हाइट यहां पे हमने 70 लिए थे, तो फ्रंट व्यू का हाइट 70 है तो इसका भी हाइट 70 हो जाएगा और बेस हो जाएगा इसका 60, क्योंकि देखिए यहां पर इधर बेस हमें दिखाई दे रहा है 60। तो चलो यहां पर 60/70 का हम ये इनडायरेक्टली हमें एक पूरा रेक्टेंगल ड्रॉ करना पड़ेगा और वो रेक्टेंगल के अंदर हमें पूरा ड्रॉ करना है। तो फाइनली हमने यहां पे 60/70 का एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है और अब हमें यहां पे पूरा का पूरा इस टाइप का साइड व्यू जो है वो यहां पे ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम ये बड़ा सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। बड़ा सेमी सर्कल जो है उसका डायमीटर यहां पे 60 लिखा है, इसका मतलब उसका रेडियस 30 होगा। तो चलिए उसका रेडियस हम यहां पर लेंगे और यहां पर सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो ये पूरा 60 है, तो ये 60 का हाफ डिस्टेंस ऑफ कंपास में ले लो। तो ये देखिए ये 60 का हाफ डिस्टेंस इट मीन 30 mm ये हमने कंपास में ले लिए। कंपास का सेंटर यहां रखेंगे और यहां पर आप सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, बड़ा सेमी सर्कल आपको यहां पे मिल जाएगा। तो फाइनली हमने ये बड़ा सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया है, इट मीन्स हमने ये सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया है। अब छोटा सेमी सर्कल की बारी। छोटा सेमी सर्कल जो है उसका डायमीटर जो है यहाँ पे 40 है, मतलब उसका रेडियस 20 होगा। तो कंपास में रेडियस 20 लेंगे और फिर से वहीं पे रखेंगे जहां पे रख के आपने बड़ा सेमी सर्कल बनाए थे, वही सेंटर पर रख के आप छोटा सेमी सर्कल भी यहां पर ड्रॉ करेंगे। तो चलो हम यहां पर ड्रॉ करेंगे। तो फाइनली हमने दोनों सेमी सर्कल से यहां पे ड्रॉ कर लिए हैं और ये सेमी सर्कल के थ्रू यहां पे एक नीचे से स्लॉट बना है तो वो हमने यहां पे शो कर लिया है। और अब हमें ये इंक्लाइन सरफेस ड्रॉ करना है। देखिए ये जो इंक्लाइन सरफेस है, ये इंक्लाइन प्लेट हमें ऐसा ड्रॉ करना है, इट मीन्स हमें स्लाइडिंग प्लेट ड्रॉ करना है। तो वो ड्रॉ करना बहुत आसान है, इसके सेंटर से आपको सीधा ऊपर जाना है। देखिए ये सेमी सर्कल के सेंटर ही है, वो सेमी सर्कल के सेंटर ही है और वो पूरा ऊपर तक गया है। आप ये देखिए, ये हमने यहां पर रफ डायग्राम के थ्रू यहां पर शो करा के बताए हैं। तो ये सेमी सर्कल के सेंटर ही लेके आप सीधा ऊपर जाएंगे, तो आप ऊपर भी सेंटर ले सकते हैं। ये जो आपने ऊपर लिया है, ये जो आपने ऊपर जितना भी लेंथ लिया है 60 mm, इसका सेंटर लो और फिर आप इसका विड्थ शो करो। इसका विड्थ है 12 mm। तो चलो हम यहां पे शो करेंगे। सबसे पहले हम इसका सेंटर ले लेंगे, तो ये हमने सेंटर ले लिए और यहां पे, और अब हम यहां पे जो है दोनों साइड में 6 mm 6 mm छोड़ देंगे क्योंकि इसका विड्थ 12 है। तो आप क्या करेंगे, ये सेंटर से 6 mm इधर लो, 6 mm इधर लो, दोनों साइड से 6 mm लेके यहां पे एक ऐसा स्लाइडिंग प्लेट जो है वो सरफेस आपको ड्रॉ करना है। तो फाइनली हमने साइड व्यू यहां पे ड्रॉ कर लिया है और हमने कुछ डायमेंशंस भी यहां पे दे दिए हैं, लेकिन हमने साइड व्यू और फ्रंट व्यू जो बनाए हैं उसमें सिर्फ वही चीजें हमने शो किए हैं जो हमें डायरेक्टली दिखाई दे रहा है। इट मींस हमने वही पार्ट बनाया है जो हमने शेडेड किए थे, जो हमें दिखाई दे रहा है हमने सिर्फ वो बनाया है। जो हमें नहीं दिखाई दे रहा है, जो एजेस हमें नहीं दिखाई दे रही है, इट मींस जो हिडन पार्ट है, जो हिडन एजेस है, वो हमने ना फ्रंट व्यू में शो किए हैं ना साइड व्यू में शो किए हैं। तो चलो अब हम यहां पर शो करेंगे हिडन एजेस, हमें फ्रंट व्यू में भी शो करना है और साइड व्यू में भी शो करना है। तो सबसे पहले ये जो सर्कुलर स्लॉट है, देखिए ये जो सर्कुलर स्लॉट है, ये सर्कुलर स्लॉट की बारी। ये सर्कुलर स्लॉट आपको ना फ्रंट व्यू में दिखाई देगा ना साइड व्यू में दिखाई देगा। तो आप क्या करेंगे, ये सर्कुलर स्लॉट के एजेस आप यहां पे हिडन लाइंस के थ्रू शो करेंगे, इट मींस डॉटेड लाइन के थ्रू शो करेंगे। आप यहां भी शो करेंगे और यहां भी शो करेंगे। अब यहां पे तो वो सेंट्रली आएगा, लेकिन यहां पे कहां आएगा, ये देखिए ये जो सर्कुलर स्लॉट है वो राइट साइड से 25 mm छोड़ के है। देखिए
यहां पे दिया है 25 mm राइट साइड से, ये राइट साइड ये लेफ्ट साइड, तो राइट साइड से आपको 25 mm छोड़ के आपको ये सर्कुलर स्लॉट का सेंटर आपको शो करना है और देन आप उसका विड्थ जो है वो शो करेंगे, इट मींस उसका डायमीटर जो 20 है वो आप जो है वो विड्थ लाइन के थ्रू आप शो करेंगे 20 mm। तो चलो यहां पे शो करेंगे, आप राइट साइड से यहां से 25 mm लेंगे क्योंकि देखो राइट साइड से 25 mm छोड़ना है, तो यहां पे राइट साइड से 25 mm छोड़ के आप पहले सेंटर लेंगे, फिर आप वहां पे 20 mm जो उसका डायमीटर है उसके हिडन लाइन शो करेंगे। तो ये देखिए यहां पे हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि एक्सिस रहेगा उसका, ये देखिए यहां पे ये जो हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किए हैं वो यहां से 25 mm छोड़ के हमने राइट साइड से 25 mm छोड़ के हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, ये है सेंटर, ये जो है ये सर्कुलर स्लॉट का जो सेंटर है वो सेंटर लाइन हमने यहां पे शो किए, और अब इसके दोनों तरफ आप इधर भी 10 mm लेंगे और इधर भी 10 mm लेंगे तो आपको ये सर्कुलर स्लॉट शो करने में आसानी हो जाएगी क्योंकि उसका डायमीटर 20 है, तो आप इसके इधर 10 mm लो और इधर 10 mm लो और दो वर्टिकल लाइंस यहां पे ड्रॉ करो। तो फाइनली हमने ये देखिए सर्कुलर स्लॉट के हिडन एजेस, इट मींस हमने हिडन लाइंस यहां पे ड्रॉ किया है जो कि डॉटेड लाइंस हैं और वो हमें इसी टाइप से यहां पे साइड व्यू में भी शो करना है क्योंकि जब आप इधर से देख रहे हैं वाई की तरफ से देख रहे हैं तो वो सर्कुलर स्लॉट आपको साइड व्यू में भी दिखाई नहीं दे रहा है, इट मींस उसके एजेस आपको यहां भी शो करना है और वो सेंट्रली शो करेंगे। ये देखिए यहां पे आपने यहां पे 60 का सेंटर लिए थे, 60 का सेंटर आप पहले लो, देन दोनों तरफ आप फिर से 10 mm 10 mm छोड़ के यहां पे ऐसे इसी टाइप के एजेस आप यहां पे शो करो, तो हम वो लेंगे। तो ये देखिए ये हमने हिडन लाइंस यहां पे इसके शो किए हैं, इट मींस हमने उसके डॉटेड लाइन शो किए हैं, लेकिन प्रॉब्लम अभी भी इनकम्प्लीट है क्योंकि साइड व्यू में ऐसी एक और एज है जो हमें यहां पे दिखाई नहीं दे रही, वो कौन सी है वो देखिए, जब आप इधर से देख रहे हैं वाई की तरफ से देख रहे हैं तो ये देखिए ये जो कॉर्नर आपको दिखाई दे रहा है ये कॉर्नर की जो अंदर से एज जाएंगी वो आपको दिखाई नहीं देंगी, जब आप इधर से देख रहे हैं तो आपको ये सरफेस देखिए ये रेक्टेंगुलर सरफेस आपको सामने से दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके पीछे का पार्ट, इसके पीछे का पार्ट इट मींस ये जो एज है जो यहां से गई है, ये एज से जो अंदर यहां ये कॉर्नर से जो एज गई है वो एज आपको नहीं दिखाई दे रही, इट मींस वो एज आपको यहां से देखिए ये कॉर्नर आपको दिख रहा है, ये जो कॉर्नर है, ये जो कॉर्नर है राइट साइड में वो कॉर्नर ये है, ये कॉर्नर से गई हुई एज जो है वो आपको यहां साइड व्यू में ड्रॉ करना पड़ेगा, लेकिन वो आप हिडन लाइंस के थ्रू शो करेंगे, इट मींस डॉटेड लाइन के थ्रू शो करेंगे क्योंकि वो आपको डायरेक्टली दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए हम यहां से यहां तक वो हिडन लाइंस यहां पे ड्रॉ करेंगे। तो फाइनली हमने साइड व्यू यहां पे कंप्लीट कर लिया है, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि फ्रंट व्यू में अभी भी एक और ऐसी हिडन एज है जो हमें ड्रॉ करना है। अब वो सोचिए कि हिडन एज क्या है, तो बहुत ही आसान है, देखिए ये जो सेमी सर्कुलर स्लॉट है उसमें ऊपर का सेमी सर्कल, देखिए ऊपर का जो सेमी सर्कल है वो ऊपर का सेमी सर्कल का जो एज है वर्टिकल एज, जब आप इधर से देख रहे हैं तो ऊपर के सेमी सर्कल का वर्टिकल एज वो तो आपने यहां पर ड्रॉ कर लिए, ये देखिए ये जो एज है ये बड़े वाले सेमी सर्कल का, ये जो बड़े वाले सेमी सर्कल का ऊपर का एज है वो ये एज है, लेकिन छोटा वाला जो सेमी सर्कल है, जो छोटा सेमी सर्कल है उसका वर्टिकल एज आपने यहां पे ड्रॉ नहीं किया है, तो वो आपको इधर से दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो आपको एज अ डॉटेड लाइंस, इट मींस आपको हिडन लाइंस के थ्रू शो करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, साइड व्यू से उसकी प्रोजेक्शंस आपको इधर फ्रंट व्यू की तरफ ले जाना पड़ेगा। तो देखिए साइड व्यू में वो सेमी सर्कल है, तो ये साइड व्यू में इसके टॉप एज, इसके टॉप कॉर्नर से आपको क्या करना पड़ेगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, इट मींस एक प्रोजेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा और वो प्रोजेक्टर पे आप वो डॉटेड लाइन शो करेंगे। तो ये देखिए सेमी सर्कल के टॉप कॉर्नर से हमने यहां से एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर ड्रॉ कर लिया है और अब हमें यहां पे उसकी डॉटेड लाइन शो करना पड़ेगा, इट मींस हिडन एजेस यहां पे आपको फ्रंट व्यू में शो करना पड़ेगा जो यहां से यहां तक रहेगा। तो फाइनली हमने प्रॉब्लम यहां पे कंप्लीट कर लिया है, देखिए ये फ्रंट व्यू है ये साइड व्यू है और दोनों में हमने डायमेंशंस यहां पे सभी प्रकार के लिख लिए हैं और ये प्रॉब्लम यहां पे कंप्लीट हो गया। ये था ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का प्रॉब्लम नंबर 7। ये प्रॉब्लम आप अपने ड्रॉइंग बुक में जरूर ड्रॉ करिए और प्रैक्टिस करिए। इसके पहले हमने ऑलरेडी इसके 6 प्रॉब्लम्स लिए थे और भी नंबर ऑफ टॉपिक्स हमने इसके पहले स्टडी किए थे, तो अगर आपने इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक्स अगर नहीं स्टडी किए हैं तो आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स जिनको इसकी जरूरत है आप उनके साथ इसको शेयर करिए, कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आपने अगर अभी भी अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।